नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। चिकित्सकीय व्यवस्थाओं के चलते इंदिरा कॉलोनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कॉलोनी निवासी द्वारा ताला जड़ दिया गया, जिसके बाद वहां आंदोलनकारियों की भीड़ जमा होने लगी, जिस कारण से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमा जागा और जनता की मांगों को मानते हुए कर्मचारी द्वारा आज स्वास्थ्य केंद्र का ताला पुनर्खोला गया। दौरान सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने पार्षद प्रतिनिधि व भाजपा उपाध्यक्ष भगवान सिंह मेड़तिया से वार्ता की और उनकी मांग के अनुरूप स्वास्थ्य केंद्र में एक स्थायी चिकित्सकों को पद स्थापित कर दिया गया। साथ ही भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य केंद्र पर सेवाओं संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इस पर भगवान सिंह ने सीएमएचओ का भार जताते हुए रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने की बात कही, जिस पर डॉक्टर मीणा ने जल्द ही सभी को रिक्त पदों को भरने का आश्वासन दिया। राजस्थान के सूबे के मालिक माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि राजस्थान में निःशुल्क सुविधा देंगे, निःशुल्क दवाइयां देंगे, निःशुल्क इलाज देंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि बीकानेर के संभाग केंद्र के अंदर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर देखने के लिए डॉक्टर नहीं है, जाँच के लिए लैब टेक्नीशियन नहीं है, दवाइयाँ देने के लिए फार्मासिस्ट नहीं है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मीणा साहब पधारे हैं, उन्होंने एक डॉक्टर लगाया है, एक एएनएम लगाया, एक जीएनएम लगाया है, उन्होंने हमारी कुछ मांगे कुछ हद तक मांगी है, बाकी 6 तारीख को कहा है अगर 6 तारीख तक पूरा स्टाफ नहीं लगाया तो वापस हम तालाबंदी करेंगे। ये सही है, लेकिन हमने यहाँ पे स्थायी डॉक्टर लगा दिया है क्योंकि एक दिन का गैप रह गया, नहीं तो कल ही वो ज्वाइनिंग कर लेते तो ये नहीं होती नौबत, लेकिन स्थायी डॉक्टर लगा दिया। जो हमारे पास 2-3 स्टाफ थे वो भी ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, जहाँ यहाँ की एलटी थी उसको एलटी को लगा दिया। तो ये कह रहे हैं कि उसका ट्रांसफर हुआ है गंगानगर अभी तक वही। देखो, गंगानगर जो गवर्नमेंट ने डेपुटेशन सभी जगह कैंसिल कर दिए हैं, यदि गंगानगर डेपुटेशन से बैठा हुआ है, जयपुर से डेपुटेशन हुआ है, तो हम लिख के भेजेंगे राज्य सरकार को, उसको निरस्त करवा देंगे। भीलवाड़ा के करीडर क्षेत्र की थाड़ा ग्राम पंचायत के चरागाह भूमि से 3 थानों के जाप्ते की मौजूदगी में हटाया गया अतिक्रमण। जानकारी के अनुसार करीडर क्षेत्र की थाड़ा गांव के करीब 70 से 80 बीघा भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसके बारे में कई बार ग्रामीण द्वारा प्रशासन को सूचित किया गया और साथ ही संपर्क पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई गई। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन द्वारा किए गए सर्वे में करीब 70 से 80 बीघा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया, जिसके बाद बुधवार को करीडा उपखंड अधिकारी महिपाल सिंह, तहसीलदार हरेंद्र सिंह, थाना अधिकारी जसवंत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी राम सिंह चौधरी और करीडर शिवपुर चौकी आसिंद बंदनौर थाने के जाप्ता व चरगाह कमेटी थाना सरपंच शिवलाल गुजर की मौजूदगी में चरगाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। धौलपुर में बाड़ी रेलवे स्टेशन पर नैरोग्रेज ट्रेन की पटरियों के बीच लगी लकड़ी की स्लीपर में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई, जिसमें कई स्लीपर जलकर खाक हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बाड़ी नगर पालिका फायर स्टाफ को इसकी सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं रेलवे के अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी। राजसमंद के देवगढ़ के नेशनल हाईवे नंबर 8 पर 2 ट्रकों में भीषण टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक घायल ने दम तोड़ दिया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों का कहना है कि अगर बगर टोल पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होती तो घायलों को जल्द ही इलाज मिल जाता। टोंक शिवपुरी नेशनल हाईवे 552 पर एक ट्रक की टक्कर से जेतपुर गांव के ही एक परिवार के 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मामले में सवाई माधोपुर के खंडार विधायक अशोक बैरवा सड़क हादसे में हुए मृतक लोगों के परिजनों को ढांढस बनाने के लिए जेतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 3 मृतकों के नाम परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1,00,000 रुपए का चेक दिया। साथ ही इस मौके पर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने परिजनों को पीएम आवास योजना का लाभ और अपना काम अपना खेत योजना का लाभ देने के लिए ग्राम विकास अधिकारी को प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए कहा। सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड मुख्यालय पर पंचायत समिति परिसर में प्रधान नरेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षक के मुद्दे छाए रहे। पंचायत समिति सदस्य सुनीता मथुरिया ने कस्बे में 2-3 दिन छोड़ हो रही जल सप्लाई का मुद्दा उठाया। वहीं पंचायत समिति सदस्य मोहनलाल जाट ने सानिवी की ओर से बनाई गई सड़क चंद महीनों में ही उखड़ जाने पर सानिवी में भ्रष्टाचार होने की बात कही। साथ ही सभी पंचायत समिति सदस्यों ने बिजली की अघोषित कटौती को लेकर नाराजगी जताई। इस पर प्रधान ने सभी ब्लॉक लेवल अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। कोटपूतली के नारहेड़ा में जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। एसीबी ने कार्यवाही करते हुए एक कनिष्ठ अभियंता को और 2 दलालों को 43,500 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। जानकारी के अनुसार परिवादी ने बिजली कनेक्शन और डीपी लगाने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। बता दें कि पनियाले में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र बाकोलिया को नारहेड़ा का अतिरिक्त भार सौंपा गया।
मकराना में पंचायत समिति परिसर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से ब्लॉक स्तरीय हेल्थ मेले का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंचायत समिति प्रधान सुमिता भीचर ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया, कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन सहित कई सदस्य मौजूद रहे। मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र चौधरी ने बताया कि शिविर में 1575 मरीजों का पंजीयन हुआ, जिसमें 32 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए। आज दिनांक 27 अप्रैल को मकराना में ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन किया गया है। तो राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महोदय जी के आदेश अनुसार इसमें सभी विशेषज्ञ डॉक्टर, 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की यहाँ सेवा उपलब्ध करवाई गई और बाकी के कार्डियोलॉजिस्ट और किडनी लीवर इनके डिजीज के डॉक्टरों को टेलीमेडिसिन के द्वारा मरीजों को सुविधा प्रदान की गई। इसके साथ ही RBS की योजना के तहत बच्चों का निःशुल्क इलाज जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी होता है, उसके लिए हमने यहाँ 5 बच्चों का चुनाव हुआ है, उनका इलाज करवाएंगे और विकलांग सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जाँच योजना के तहत दवाई वितरण और जाँचें की जा रही है और इसमें जो सरकारी जो सारी योजना है उनका कार्यान्वयन किया गया है और लोगों को इस बारे में जागरूक किया गया है, जिससे कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सके। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है जिसमें 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज है, उसके बारे में भी लोगों को आज जानकारी दी गई। कई लोगों को मालूम नहीं था तो उनको आज जानकारी दी गई, जिससे कि उनका फ्री में इलाज हो सके। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए TPV News। नमस्कार।